उल्लासनगर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। इस सड़क से उठने वाले धूल के कारण नागरिकों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस धूल के कारण लोग खासकर अस्थमा, खांसी, जुकाम और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। उल्लासनगर 5 नेताजी चौक से भाटिया चौक तक सड़क की हालत खस्ता है। इस सड़क पर चलने वाले वाहनों के कारण पूरे शहर में धूल का साम्राज्य फैला है। हीराघाट से पवी श्रीराम चौक तक सड़क खराब होने के कारण लगातार उड़ते धूल से नागरिक परेशान है। साथ ही शहर की कई सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जो नई अच्छी बनी हुई सड़क है उसे भी तोड़ा गया है, लेकिन उसकी दोबारा मरम्मत नहीं की जाती। इसके जिम्मेदार मनपा प्रशासन, नवनियुक्त विधायक, जिनको देखकर जनता ने वोट दिया। शहर की ज़्यादातर सड़कें अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कार्य के कारण खुदी हुई है। सड़कें तोड़ी जा रही है, लेकिन उसे बनाने की जिम्मेदारी किसकी, यह सवाल या निशान बना हुआ है।